हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमान है। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी न्यू वीडियो। आई होप कि मुझे पता है कि मैंने वीडियो को लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी था कुछ अपने ऑफिस वर्क में, तो मैं थोड़ा फ्री हूँ तो इस वजह से मैं आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपना जो कैश ऑन डिलीवरी का जो हमारा फर्स्ट पेमेंट है ना, उस पर हम आज फोकस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं लॉगिन करूँगा अपने ईमेल आईडी से। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद तो ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूँ तो अपनी ईमेल आईडी के साथ, तो यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड लगाऊंगा तो उसको मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, लॉगिन किया तो अभी देख सकते हैं हमारे पास दो कार्ड में आइटम्स ऐड। तो मैं जाऊँगा चेकआउट के पेज पे, चेकआउट पे पेज पे जाने पर मुझे सेम एज ए शिपिंग एड्रेस आ जाएगा। तो सेम एज ए चेकआउट पे जाएंगे हम, चेकआउट पे जाने का फाइनल हमारे पास ऑर्डर व्यू पे जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इस पर फोकस करना है कैश ऑन डिलीवरी पे। ठीक है, तो वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम जाएंगे अपने ऑर्डर व्यू के पेज पे। ऑर्डर व्यू के पेज पे जाने के बाद हमने बेसिकली हमने यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का एक बटन भी बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑर्डर व्यू के पेज पे। तो सिंपली हमने जाना है यहाँ पे, हमारे पास ये हमने एक फॉर्म बनाया होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे हमें इसको थोड़ा काम देना। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्शन दे देता हूँ। बेसिकली हमारे पास आ जाएगा यूआरएल और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लेस ऑर्डर। ठीक है जी, प्लेस ऑर्डर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी नेम, आ जाएगा जी पेमेंट फॉर्म, और इसी तरह हमारे पास आईडी आ जाएगी जी पेमेंट फॉर्म की। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास मेथड आ जाएगा जी, मेथड आ जाएगा हमारे पास पोस्ट का। ठीक है, यहाँ पे हम सी एस आर फील्ड टोकन जनरेट करते हैं हम एक। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे हमने एक इनपुट फील्ड ले लेनी, हिडन कर लेना, जहाँ पे हम अपना ग्रैंड टोटल जो भी हमारे पास होगा उसका जो ग्रैंड टोटल का जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे सर्च बेसिकली शो करवा देंगे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेसिकली, और यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ जी ग्रैंड टोटल का, और यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। इस वेरिएबल को हम कॉपी करेंगे। ठीक है जी, ग्रैंड टोटल डॉलर ग्रैंड टोटल, ओके जी फाइन। और उसके बाद हमारे पास कुछ पेमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, पेमेंट्स के बाद हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, इसको हम कुछ मैं इसको नेम में देता हूँ, लाइक क्लास ऑलरेडी हमारे पास क्लास इंक्लूड है तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक COD की। ठीक है जी, इसको मैं जो हमारे पे वैलिडेशन, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, हम इसको अपना कस्टम वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, इसलिए COD हो जाएगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी पेपॉल। ठीक है जी, हम पेपॉल पे के साथ जाएंगे। ठीक है, तो हम पेपॉल पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको मैं रिक्वायर्ड रिमूव कर देता हूँ और क्लास हम दे देते हैं इसको जी पेपॉल। ठीक है जी, और इसको मैं नेम बेसिकली दे देता हूँ जी, नेम सेम रहेगा, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ जी वैल्यू दे देता हूँ जी इसको जी COD की, और यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास पेपॉल। ठीक है जी, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एक बटन आ जाएगा। ठीक है, बटन के लिए मैं इसको यहाँ से इसको जो सेम एज इट इज़ मेरे पास HTML होगा, मैं सेम एज इट इज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जी हाँ, ये देखिए, ये मैंने ये अपना जो प्लेस ऑर्डर का बटन था, ठीक है, ये इसकी HTML लगाई है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको शो करवा दूँ सारा जो इसका कोड है। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं जाऊँगा अब अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, CSRF फील्ड, मेरे का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली ई। तो उसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास अब कैश ऑन डिलीवरी और पेपॉल दोनों आ गए। ठीक है, तो अब हम जाएंगे, हमने क्या करना, हमने मास्टर की फाइल में जाना, तो हम इसकी थोड़ी वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, तो वैलिडेशन करेंगे तो हमने जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमने अपने मास्टर .php की फाइल में वो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास ये वे शॉप है, ये लेआउट्स है, तो ये हमारे पास है बेसिकली मास्टर .php की फाइल। ठीक है जी, हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और स्क्रिप्ट के बाद हम यहाँ पर सिंपल करेंगे जी, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन करेंगे क्रिएट। तो फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे ऑर्डर व्यू के पेज में और हमारे पास ये जो बेसिकली सेलेक्ट पेमेंट मेथड है इसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ला के इसको मैं अलर्ट कर देता हूँ, फिलहाल मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, लेट्स सी।
तो अलर्ट करेंगे इसको, से रिफ्रेश करूँगा अगेन मैं, तो लेट्स सी, हमारे पास अलर्ट का बटन शो होता ही नहीं। जी हाँ ये देखिए अलर्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल काम हो गया, ठीक है। आई नो हमें अभी इसका रोड नहीं दिया, इस वजह से ये ऑर्डर शो करा, तो उसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ इफ डॉलर डॉट क्लास हमारी होगी, फर्स्ट आएगी हमारे पास पेपॉल, यहाँ पे आ जाएगा इज, यहाँ पे आ जाएगा कॉलन चेक्ड, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डॉलर डॉट COD की क्लास, यहाँ पे आ जाएगा इज, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल कॉलन चेक्ड, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी अलर्ट, कर देता हूँ इसको चेक, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एल्स कर देता हूँ जी, अलर्ट आ जाएगा जी हमारे पास प्लीज सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ जी फॉल्स, ठीक है जी। तो लेट्स सी, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मतलब हमने कस्टम इसको वैलिडेशन लगा दी, ठीक है। जब भी कोई विदाउट प्लेस ऑर्डर, कोई विदाउट कोई भी पेमेंट सेलेक्ट किए बगैर कोई, जब कोई भी इसको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेगा, तो हमारे पास आई थिंक एरर आ रहा है हमारे पास, तो लेट्स सी मैं देखूँ पहले हमारे पास एरर क्या शो कर रहा है, ये पेज रिफ्रेश कर रहा है। तो ओके यहाँ पे हमारे पास आई थिंक यहाँ पे नोटेड कॉमर्स आएंगे, एक यहाँ पे भी नोटेड कॉमर्स को एक को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे, यहाँ पर जगह चेक, ओके। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो लेट्स सी, तो विदाउट पेमेंट मेथड में सेलेक्ट किए इसको करता हूँ, तो अगेन नहीं, आई थिंक इशू आ रहा कुछ, ओके आई थिंक हमारे पास यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, सॉरी फॉर डैट, ओके यहाँ पे भी एक इसके स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमास आएगा, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। तो लेट्स सी, अब मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, आई होप ये वर्क करेगा। तो जी हाँ ये देखिए अब विदाउट पेमेंट सेलेक्ट किए वो कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है जी। तो अब मैं इसको कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ, तो मेरे ख्याल से क्या आ रहा देता है, तो चेक का ये मैसेज शो कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल काम ओके है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं इसको पेपॉल पे करता हूँ, तो वो भी चेक शो करेगा जी हाँ ओके, तो हमें डायरेक्ट प्लेस होल्डर पर ले जाएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल ओके, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर तो हमारा बिल्कुल काम ठीक है। और ठीक है अब हमने एक रोड क्रिएट करना है, ठीक है। रोड क्रिएट करेंगे हम, बेसिकली हम जाएंगे वेब डॉट पी एच पी की फाइल में, यहाँ पे हमारे पास होगा रोड्स वेब डॉट पी एच पी की फाइल, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, हमने एक रोड क्रिएट करना है। रोड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिंपल, मैं इसको यहाँ सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद सिंपल मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा जी प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास जी प्लेस ऑर्डर, ठीक है जी। तो अब मैं जाऊँगा जी अपने प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में, सिंपली मैं यहाँ पर जहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करूँगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास पब्लिक फंक्शन प्लेस ऑर्डर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इफ डॉलर रिक्वेस्ट इज मेथड पोस्ट, पोस्ट के बाद आ जाएगा हमारे पास डॉलर डाटा इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, ठीक है जी। हम इसको इको कर देते हैं जी प्रीव्यू प्रिंट आर डॉलर डेटा, ठीक है जी। तो लेट्स सी अब देखते हैं क्या हमारे पास मैसेज आता है, तो लेट्स सी मैं जाता हूँ पहले कैश ऑन डिलीवरी के साथ, ठीक है। तो मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो लेट्स सी
जी हाँ, ये देखिए हमारे पास ग्रैंड टोटल आ रहा है जी 2450, और हमारे पास पेमेंट मेथड कौन सा है? बेसिकली हमारे पास पेमेंट मेथड है COD, ठीक है जी। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं जाता हूँ जी पेपॉल के साथ, ठीक है, पेपॉल पे जाता हूँ। तो पेपॉल पे लेट्स सी, चेक करते हैं पेपॉल शो होता है या नहीं, लेट्स सी। जी हाँ, ये देखिए हमारे पास पेपॉल का भी शो कर रहा है, ये हमारे पास ग्रैंड टोटल शो कर रहा है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली क्या करेंगे, सिंपली हम इसको नेक्स्ट हम वीडियो में सिंपली थैंक्स का हम एक मैसेज शो करवाएंगे, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास जो भी हमारा पेमेंट प्रोसेस होगा, हम उसको पहले कैश ऑन डिलीवरी के साथ करेंगे, फिर हम नेक्स्ट हम चलेंगे अपने पेपॉल के साथ, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम एक थैंक्स का मैसेज शो करवाएंगे और हम अपना ऑर्डर कम्प्लीट करवाएंगे, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ ना पसंद, कुछ भी अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।